हाँ कुछ लोग बता रहे हैं उनकी पहली क्लास है, तो इस दफा जरा रिकॉल कर लें फिर, ठीक है? मतलब आप लोग इसको थोड़ा बता देंगे तो आसानी रहेगी। जैसे हमने देखा था कि इसमें लफ्ज़ और कलेमा, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? लफ्ज कोई भी आवाज जो हमारे मुंह से निकले, जो जिसके कोई माइनिंग भी हो सकते हैं, बे माइनिंग भी हो सकता है। और कलेमा? बामाने अल्फाज को कलिमा कहते हाँ हैं। बस ये फर्क है कि कलेमा स्पेसिफिकली बामानी लफ्ज होता है, लफ्ज जो है वो कोई से भी आवाज हो सकती है। तो हम इसलिए ग्रामर में लफ्ज का जो लफ्ज है वो अवॉइड करते हैं, हम कलेमा की टाइम यूज करते हैं ज्यादा, क्योंकि हम जाहिर बात है मीनिंगफुल वर्ड को पढ़ रहे हैं। ओके okay. अच्छा ठीक है। और कलिमा जो है अरबी में, उसकी उसको कैसे हम डिवाइड करते हैं, कितनी टाइप्स है ले जाओ कलिमा फिर, आप रख इसको? जाओ, ले जाओ माइक, इसको। ये तीन टाइप्स में करते हैं, इसम, ठीक है, फेल और हरफ। इस्म फेल और हर्फ, ठीक है। इस्म और फेल में क्या फर्क है और क्या चीज कॉमन है? इसम जो है वो किसी भी चीज का नाम है जिसमें जमाना नहीं पाया जाता, और फेल में जमाना पाया जाता है। ठीक है, सही है। और हर्फ क्या होता जैसे सर अल्फाज को ये इसम और फेल को जोड़ने के लिए प्रीपोजिशंस टाइप जो इंग्लिश में होता है उस तरह। है? बस सिंपली वो है जैसे हम मैनी फ्रेज में यूज करते हैं, इंडिविजुअली यूज नहीं करते, ठीक है? इंडिविजुअली अपनी अपना वो कोई मतलब नहीं दे सकता, किसी भी फ्रेज का हिस्सा बन के आएगा, ठीक है? इसमें फिर वो डिस्कशन हमने की थी जेंडर के एतबार से, मुजक्कर और मोनस। तो मुजक्कर और मोनस में जो बेसिक चीज है वो क्या है, किस चीज से फर्क करते हैं, या कैसे पहचानते हैं कि मुजक्कर है या मोनस? सर मोनस के आखिर में गोल ता आता है, और मुजक्कर के आखिर में ठीक है, मोनस यानी गोलता से पहचानेंगे, जिस इसम के एंड पे गोलता है, मोनस है, जहाँ गोलता नहीं है वो मुजक्कर है, ठीक है? और एक हमने वो भी और डिस्कस किया सर था कि आपने मोनस जी बताइए, की टाइप्स भी बताई थी। जी सर बताइएगा। मोनस से हकीकी ठीक है, जिससे यानी कि हमें पता चल रहा होता है कि वो मुजक्कर है या मोनस है, जिसकी आपने मिसाल दी थी उम या उक्त दी थी। और फिर मोनस से कियासी था जो कि गोल ताज के आखिर में आता है। एंड फिर आपने मोनस से समाई के बारे में बताया था जो हकीकतन यानी कि मोनस नहीं होते हैं, जैसे कि आपने कहा था कि आसमान, सूरज, जमीन, अरबी के अंदर इसको मोनस नहीं होती। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो इन टोटल तीन तरह का होता है मोनस, सही है। एक आपने जो मोनस है हकीकी का, वो है जो यानी रियल वर्ल्ड में भी, जैसे जिसका ऑपोजिट जेंडर है, जैसे वही आपने मिसाल दी ना कि माँ है तो माँ का ऑपोजिट जैसे जेंडर है बाप, इसी तरह औरत, मर्द, बहन, भाई। तो इस तरह के जो लफ्ज़ हैं वो मोनस हकीकी कहलाते हैं, उनमें किसी अलामत की ज़रूरत होती भी नहीं है, जो कि वो उसके मीनिंग से ही कन्वे हो रहा होता है कि वो लफ्ज़ मोनस के लिए यूज़ होता है। और कयासी वही वाला है जो आपने कहा कि जिसपे गोलता है। और फिर समाई है लास्ट टाइप के, कुछ लफ्ज़ हैं जो जस्ट आपको याद करने होते हैं, उनमें कोलता नहीं होती लेकिन वो फिर भी मोनस इस्तेमाल होते हैं। चले अच्छा है, ठीक है, आगे पे बढ़ते हैं। इसमें अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, जिन लोगों ने अभी ये बात सुनी पहली दफा, अगर उनके जहन में कोई बात है तो कर लें क्लियर, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। चले बेहतर। दूसरी चीज जो है वो इसम से रिलेटेड, जो हमें अक्सर जब हम जुमलों में यूज करते हैं इसम, तो हमें पता होना चाहिए कि उस इसम का नंबर क्या है, वो कितने चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या कितनी चीजों को डिनोट कर रहा है। तो अदद या नंबर के अतबार से आमतौर पे जैसे उर्दू तो अंग्रेजी में हम मतलब इसम को दो तरह से डिवाइड करते हैं, कि जो इसम
एक के लिए इस्तेमाल हो वो वाहिद है, जो ज्यादा के लिए इस्तेमाल हो वो जमा है। तो अरबी में लेकिन तीन तरह का होता है इसम, जो एक के लिए इस्तेमाल किया जाए उसे हम वाहिद या मुफरद कहते हैं, जो इसम दो के लिए इस्तेमाल किया जाए, यानी दो के लिए अरबी में स्पेसिफिक वर्ड होता है अलग से, तो जो इसम दो को डिनोट करता हो उसे हम तस्निया या मुसन्ना कहते हैं, और जो तीन या ज्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाए उसे हम जमा कहते हैं। तो अरबी में इसम तीन तरह का अदद के अतबार से, वाहिद, तस्निया या जमा। वाहिद को मुफरद भी कहते हैं, तस्निया के लिए मुसन्ना की टर्म भी यूज की जाती है, तो मुफरद मुसन्ना या जमा भी कह सकते हैं और वाहिद तस्निया जमा भी कह सकते हैं, या इंग्लिश में इसको हम सिंगुलर, डुअल और प्लुरल कहते हैं। तो बस ये जहन में रखिएगा कि अरबी में जमा तीन से ऑनवर्ड्स है, दो के लिए अलग लफ्ज होता है तस्निया का। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं कि वाहिद, तस्निया और जमा में फर्क कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है कि कोई इसमें क्या है या किसके लिए यूज किया गया। तो जैसा कि हमने पिछली दफा भी पढ़ा था कि वहां जिन्स में फोकस हमारा मुअन्नस पे था, कि मुअन्नस हकीकी हो सकती है या बोलता के साथ की पहचान हो सकती है या मुअन्नस समाई हो सकती है, और जो लफ्ज मुअन्नस नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट मुज़क्कर होगा। इसी तरह यहाँ जब हम पढ़ रहे हैं इसम वाहिद है या तस्निया है जमा, तो फोकस हमारा आखिरी वाले दोनों पे है। हम ये समझेंगे कि तस्निया को कैसे पहचानना है, जमा को कैसे पहचानना है। जो इसम तस्निया है जमा नहीं होगा वो बाय डिफॉल्ट वाहिद होगा। ठीक, इसलिए वाहिद को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाहिद तो इनिशियल फॉर्म है ना किसी भी इसम की, वो कोई भी लफ्ज है वो आप एज इट इज याद करेंगे, जैसे किताब है, पलंग है, बैत है, बाब, ये सब लफ्ज वाहिद है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि तस्निया कैसे यूज होता है, जमा कैसे होता है। तो अगर तस्निया जमा नहीं है कोई लफ्ज तो वो वाहिद समझा जाएगा। तो तस्निया से स्टार्ट करते हैं। तस्निया अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया कि वो इसमें जो दो के लिए यूज किया जाए, और इसको बनाने या पहचानने का तरीका ये है कि जो सिंगुलर वर्ड होता है अरबी में उसके एंड पे अलिफ नून ऐड करते हैं या नून ऐड करते हैं तस्निया बनाने के लिए। बस मिसाल के तौर पे किताब है, सिंगुलर है, अगर आपको दो किताबें कहना हो तो आप कहते हैं किताबानी या किताबैनी। इसमें अलिफ पे कोई हरकत नहीं होती, या पे भी कोई हरकत नहीं होती, ये साकिन होते हैं। नून जो आप लाते हैं उस पे जेर बोलते हैं, तो किताबानी या किताबैनी दो किताबों के लिए यूज करते हैं। इसी तरह कलमानी या कलमैनी, दो कलम मुराद होंगे इससे। सयारा है गाड़ी, तो सयारा तानी या सयारा तैनी, दो गाड़ियां। ठीक है, इसी तरह उर्दू में कुछ लफ्ज हैं जो हम यूज करते हैं तस्निया, जैसे वालिदैन हम जो बोलते हैं तो ये वालिद का तस्निया है, वालिद सिंगुलर है, वालिदैन जो है वो दोनों पेरेंट्स को कहते हैं ना, वालिद और वालिदा दो के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह ईदैन हम कहते हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा दोनों को इकट्ठे ईदैन बोला जाता है, या फरीकैन यूज करते हैं दो ग्रुप्स के लिए, या तरफैन दो साइड के लिए। तो ये कुछ लफ्ज उर्दू में भी यूज होते हैं तस्निया के, लेकिन उर्दू में तो हम इन्हें या के साथ यूज करते हैं ना, इनका अरेबिक में दूसरा वेरिएंट ये है, समटाइम्स इन्हें अलिफ के साथ भी यूज किया जाता है, जैसे वालिदानी या ईदानी या फरीकानी या तरफानी। ठीक है, तो तस्निया वाहिद में अलिफ नून या नून के एडिशन से बनता है। अब अलिफ और या का आपस का फर्क क्या है, वो डिपेंड करता है कि वो तस्निया जुमले में कैसे यूज हो रहा है, यानी लेट्स से अगर वो जुमले में एज अ सब्जेक्ट आ रहा है तो डिफरेंटली बिहेव करेगा, अगर वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो उसकी फॉर्म डिफरेंट होगी। लेकिन वो चीज़ आगे चल के हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे कि कब आप अलिफ के साथ यूज करते हैं तस्निया, कब या के साथ करते हैं, वो उसके रोल पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो जुमले में कैसे आया है। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये दोनों वेरियंट तस्निया के हैं, चाहे अलिफ नून ऐड हुआ हो चाहे या नून। इसके नीचे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये देख लें, जैसे अर्रजुलानी या अल इमरातानी, अल वलदानी, अल बिनतानी, मुशरिकानी, अस्साजिदानी, अन्नबियान।
الساحران، الزوجان، عينان، الشفتان، الملكان، برهانان، المسلمتان، ये सारे लफ्ज तस्मिया है। तो अगर आप इनमें अलिफ नून हटा देते तो इनका वाहिद आ जाएगा, जैसे अर्रजुलान है ना, तो सिंगुलर होगा अर्रजुल। ये कहते किसे अर्रजुलान? दो मर्द, दो हाँ, दो मर्द। मर्द, तो सिंगुलर इसका रजुल होगा, ठीक है। इसी तरह अल, ये अल इमरातान लिखा, ये गलत है, क्योंकि अच्छा ये कहते किसे हैं इमरा? औरत औरत को, औरत हाँ औरत को। ये लफ्ज वैसे बोला जाता है इमरा, और अगर दो औरतें होंगी तो इमरातानी, लेकिन अगर आप इसमें अल यूज करें, जब अल के बाद फिर हमजा नहीं यूज करते, फिर अल इमरा नहीं होता है लफ्ज, अल के साथ अल मरा यूज किया जाता है, हमजा नहीं आता फिर, ठीक है। नहीं, इस अगर बगैर अल के लाएंगे तो इमरा, और अल के साथ लाएंगे तो अल मरा, तो ये होना चाहिए अल मरा थानी, दो औरतें। अच्छा, इसी तरह अल वला जानी, इसका सिंगुलर क्या होगा? الولد الولد ولد ولد वलद या अल वलद, ठीक है। वलद कौन होता है? बेटा लड़का बेटा हाँ, लड़का, या हाँ समटाइम्स बेटे को भी कह सकते हैं, ठीक है। अल बिंतान, इसका सिंगुलर इसी तरह बिंत होगा, बिंत कौन होती? बेटी दो बेटी, बेटी बेटी या बेटी लड़की के लिए यूज कर सकते हैं। और मुशरिकान है, ये मुशरिक का तस्निया है। इसी तरह अस्साजिदान, साजिद या अस्साजिद का तस्निया है, अन्नबियान, अन्नबी का है। तो ये सारे लफ्ज जो आ रहे हैं मुख्तलिफ मुसन्ना, इनमें अलिफ नून अगर आप हटा दें तो सिंगुलर रह जाएगा आपके पास, ठीक है। इसमें कुछ लफ्जों का मतलब बता दें, जैसे साहिरान कौन है? जादूगर, दो जादूगर। दो जादूगर, ठीक है। और अज़्ज़ौजान, दो बीवियां, ज़ौजान जो है वो मियाँ बीवी दोनों के लिए भी यूज हो सकता है, जैसे वालिदान, वालिद और वालिदा दोनों के लिए यूज करते हैं, तो नॉर्मली अज़्ज़ौजान से मुराद मियाँ बीवी होते हैं, या ज़ौज व ज़ौजा। ऐनान, दो ठीक आंखें है। और शफतान, दो होंठ ये दो होंठ हैं। अल मलकान, मलक कौन होता? अच्छा, दो बादशाह या इस फरिश्ता। हाँ इसमें अगर तो ये लफ्ज, जैसे यहाँ लाम की जबर से है, मलक, मलक होता है फरिश्ता। और अगर आप यूज करें मलिक, लाम की जेर के साथ, तो मलिक होता है बादशाह, ठीक है। मलिक बादशाह है, मलक फरिश्ता है, ठीक है, जी सही। और बुरहानान क्या है? दो दलीलें दलील दो दलीलें, ठीक है। और अल मुस्लिमतान, दो मुसलमान होते हैं। अच्छा, यहाँ भी इन्होंने जैसे अलिफ नून के साथ यूज किया, तो बस आपको मालूम होना चाहिए कि इसका दूसरा वेरिएंट भी होता है, उस तरह भी ला सकते हैं, या किस साथ भी, अर्रजुलैनी, अलमरअतैनी, अलवलदैनी, अलबिनतैनी, मुशरिकैनी, असाजिदैनी, इस तरह से भी अगर लफ्ज़ आएगा तो वो भी तस्निया होगा। तो बस आपने ये जहन में रखना है कि यहाँ अलिफ या जब यूज़ करते हैं तो उससे पहले वाले हर्फ पे जबर होता है, और नून जो है उस पे जेर होती है, ठीक है। अर्रजुलानी या अर्रजुलैनी, ठीक है जी। आगे चलें फिर जमा की तरह। तो जी जी सर चलें, अच्छी बात। जमा जो है वो सरे दस दो तरह की होती है अरबी में। एक है जो जमा मुकस्सर जिसे हम कहते हैं, दूसरी जमा सालिम। मुकस्सर का मतलब होता है टूटा हुआ, ये कसर से है लफ्ज। तो जमा मुकस्सर बेसिकली वो जमा है जो वाहिद से जिसका पैटर्न डिफरेंट होता है। जब वाहिद का लफ्ज और पैटर्न का होगा, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, जमा अगर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा।
मिसाल के तौर पे किताब है तो उसकी जमा हम कुतुब करते हैं, या जैसे कलम की जमा अकलाम करते हैं, आलिम की जमा उलामा करते हैं, तालिब की जमा तलबा करते हैं जैसे। तो इसमें सिंगुलर वर्ड डिफरेंट आ रहा है और जो प्लूरल है वो डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब है कि सिंगुलर एज इट इज यूज नहीं किया जा रहा जमा में, उसका पैटर्न बदल रहा है थोड़ा ना, कि कोई हर्फ उसमें कम हो रहा है, कोई कम हो ज्यादा हो रहा है, किसी हर्फ की हरकत चेंज हो रही है। तो अगर चेंज आ जाए वाहिद के पैटर्न या स्ट्रक्चर में तो वो जमा मुकसर है। और दूसरी टाइप होती है जमा की जिसमें हम वाहिद को बदलते नहीं है, वाहिद एज इट इज रहता है, उसमें कुछ ऐड करके जमा बना लेते हैं। जैसे हमने तस्निया में एक एडिशन किया ना, अलिफ नून या नून ऐड किया तो तस्निया बना, इसी तरह जमा में भी एक हमारे पास जमा की वो टाइप है जिसमें हम वाहिद में कुछ ऐड करके जमा बनाते हैं, तो वो वाली जमा जमा सालिम कहलाती है। ठीक है, सालिम का मतलब यहाँ वही है जो जैसे हम सही सालिम बोलते हैं ना, कि जो सलामत रह जाए, जो बच जाए वो सालिम। तो जमा सालिम इसको इस लिए कहा जाता है कि उसमें वाहिद बच जाता है, यानी वाहिद का पैटर्न बदलता नहीं है या टूटता नहीं है। जमा मुकस्सर में वाहिद टूट जाता है तो उसकी जमा उससे डिफरेंट है। ठीक है, यानी मुकस्सर है जिसे हम ब्रोकन प्लूरल कहते हैं, सालिम है जिसे साउंड प्लूरल कहते हैं। तो सालिम की एग्जाम्पल्स होती हैं जैसे मुस्लिम है तो मुस्लिम की जमा मुस्लिमून। तो आप देख रहे हैं कि मुस्लिम मुस्लिमून में मुस्लिम का वर्ड आ रहा है ना, बस मुस्लिम के बाद वाव नून ऐड किया। ठीक है, इसी तरह मोनस सालिम की एक और एग्जाम्पल हो सकती है मुस्लिमात, जिसके एंड पे हम अलिफ ता ऐड कर दे रहे जी। तो अगर जमा वाहिद में कुछ इजाफा करके बनाए तो वो जमा सालिम है, अगर जमा वाहिद से डिफरेंटली आ रही हो, उसका पैटर्न बदल रहा हो, तो वो जमा मुकस्सर है। ये बात वाजे है, तो फिर आगे चलते हैं और देखते हैं कि जमा मुकस्सर कैसे बनती है और जमा सालिम कैसे बनती है। जी शेख, चले, अच्छी बात है। अच्छा, जमा मुकस्सर जो है इसके डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं जिन पे ये यूज होती है। जैसे मिसाल के तौर पे हम उर्दू में भी देखें तो उर्दू में बहुत सारे पैटर्न्स अरबी के आ रहे हैं जमा में। जैसे हम खबर की जमा अखबार करते हैं, जैसे फिक्र की जमा अफकार करते हैं, जिक्र की जमा अजकार है, इसी तरह कौल की जमा अकवाल है। तो ये अकवाल, अफकार, अजकार, अखबार, ये आप देख रहे हैं एक ही पैटर्न है, एक तरह का वजन है, साउंड एक है ना इन सबका। इसी तरह कल्ब की जमा करते हैं कुलूब, नजम, नुजूम, सहर, जहूर, नफ्स, नफूस। तो कुलूब, नुजूम, जहूर, नफूस, ये एक पैटर्न की जमा है। तो इसके डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं जिन पे आप ये जमा बनाते हैं, लेकिन इवेंचुअली आपको याद करना पड़ता है, मतलब आप, क्योंकि इसके पीछे कोई रूल नहीं है कि किस सिंगुलर का जमा क्या बनेगी। यानी हमने खबर की जमा अखबार क्यों बनाई है, हुबूर नहीं बनाई, या फिक्र की जमा अफकार यूज होती है, फुकूर नहीं होती। ठीक है, तो वैसे अगर एक एतबार से देखें तो जमा मुकस्सर के डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल वेवर्ड है और आप कोई इसको पहचान नहीं सकते, उन पैटर्न्स से हमें पता चल जाता है कि ये लफ्ज जमा है, लेकिन एग्जैक्टली आप ये नहीं बता सकते कि किस वाहिद का जमा किस पैटर्न पे आएगा। ठीक है, तो हर वाहिद की जमा आपको जैसे याद ही करनी होती है, जैसे हम उर्दू में भी याद करते हैं ना, या कसरत इस्तेमाल से हमें खुद ही याद हो जाती है, हमें पता है कि हमने खबर की जमा क्या करनी है, या फिक्र की क्या करनी है, या रसूल है तो उसकी जमा क्या करनी है, या नबी की जमा है तो अम्बिया करनी है। तो ये इस्तेमाल करते रहने से आप याद ही करते हैं, इसका कोई रूल एक नहीं है जिस पे जमा मुकस्सर बने। ठीक है, जमा सालिम जो है वो एक रूल के तहत बनती है क्योंकि उसमें इजाफा होना है। और इसकी फर्दर फिर दो टाइप्स हैं, एक है जमा जो मुजक्कर के लिए यूज होती है उसे जमा मुजक्कर सालिम कहते हैं, और एक मोनस के लिए यूज करते हैं जिसे जमा मोनस सालिम कहते हैं। जो मुजक्कर के लिए जमा यूज करते हैं उसमें वाव नून ऐड करते हैं। ठीक है, वाव साकिन होगा और नून पे जबर होगी, जैसे मुस्लिम है तो उसकी जमा मुस्लिमूना, मुशरिक तो मुशरिकूना, आबिद आबिदूना, काफिर काफिरूना, ठीक है, मुदर्रिस मुदर्रिसूना। तो एक ये वाली जमा है मुजक्कर की जमा जिसमें हम वाहिद में
वाव नून ऐड कर रहे हैं, वाव साकिन है और नून पे जबर है। इसका एक दूसरा वेरिएंट भी होता है जिसमें हम वाव की बजाय या यूज करते हैं, उसमें भी या साकिन होगी और नून पे जबर होगा। तो मुस्लिमूना जो है इसको समटाइम्स मुस्लिमीना भी यूज किया जाता है, या इसी तरह आबिदूना को आबिदीना भी यूज करते हैं, मुशरिकूना को मुशरिकीना भी यूज कर सकते हैं, मुदर्रिसूना को मुदर्रिसीना भी कर सकते हैं। तो जमा मुज़क्कर सालिम वाव नून या नून के एडिशन से बनाते हैं, ठीक है जी। और जो मोनस की जमा सालिम है, इसको मोनस इसलिए कहते हैं कि ज्यादातर मोनस के लिए यूज होती है, लेकिन समटाइम्स मुज़क्कर लफ्ज भी इस पे आ जाते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा मोनस के लिए जमा यूज हो। ये हम बनाते हैं वाहिद में अलिफ ता ऐड करके, जैसे मुस्लिमा है तो उसमें अलिफ ता ऐड करेंगे तो मुस्लिमात, या इम्र या मिसाल के तौर पे आबिदा है तो आबिदात, साजिदा साजिदात। और ये उर्दू में भी मुस्तमिल है, जैसे इम्तिहान है तो इम्तिहानात, इख्तिबार इख्तिबारात, इख्तियार से इख्तियारात। तो अलिफ ता के साथ जो जमा बने वाहिद में अलिफ ता ऐड करके वो जमा मुअन्नस सालिम कहलाती है। वाव नून या नून के एडिशन से जो जमा बने वो मुजक्कर के लिए यूज करते हैं, उसे मुजक्कर सालिम कहते हैं। और इसके अलावा जो जमा होती है वो जमा मुकस्सर है, वो उसका कोई रूल नहीं होता, वो हम याद करते हैं, ठीक है। सही है जी। तो इस एतबार से देखें तो तीन तरह की जमा हो जाती है, जमा मुकस्सर, मुजक्कर सालिम, मुअन्नस सालिम। मुजक्कर सालिम में वाव नून या नून ऐड कर रहे हैं, मुअन्नस सालिम में अलिफ ता ऐड कर रहे हैं, और जमा मुकस्सर आप याद करते। क्लियर ये बात? जी क्लियर चलें बेहतर, आगे चलते हैं फिर। जमा मुकस्सर की कुछ मिसालें गिवन है वो देख लें, जैसे अर-रुसुल ये रसूल की जमा है, अलंबिया नबी की जमा, फुकारा फकीर की जमा है, मसाजिद मस्जिद की जमा है, अनहार ये नहर की जमा है, अबवाब बाब की जमा है, इसी तरह अशहर शहर की जमा है। अबवाब किन्हें कहते हैं? दरवाजे। दरवाजे, नहरें, दरवाजे। और अनहार जो है नहरें या दरिया, ठीक है। और अशहर जो है शहर, और अशहर क्या होते हैं? महीने। महीने, ठीक है। इबाद इसका वाहिद होता है, अब तो इसका क्या मतलब होता बंदे है? गुलाम, ठीक है। अनफुस ये नफ्स की जमा है, अय्याम यौम की जमा है, औलाद वलद की जमा, अमवाल माल की जमा है, हुदूद ये काफ पे पेश होती है, या शायद जबर लिखा हुआ है पीडीएफ में, कुलूब होगी ये। तो ये कल्ब की जमा है, आयुन आइन की जमा, अलसिना लिसान की जमा, ठीक है। इनमें आप देख रहे हैं कि वाहिद डिफरेंट है, जमा डिफरेंट है, तो ये आप बस याद ही करते हैं। अच्छा, आगे जमा मुजक्कर सालिम जो है इसकी कुछ एग्जांपल्स, जैसे मुस्लिम की जमा मुस्लिमून, या फासिक की जमा फासिकून, या आगे ये हैं और मिसालें, अलमुमिनून खालिदून जाहिलून मुशरिकून सालिहून वगैरह, ये पढ़ लीजिएगा खुद। इनमें अगर हम वाव नून हटाएंगे किसी भी लफ्ज में तो वो वाहिद आ जाएगा हमारे पास। जैसे मुमिनून है तो इसका वाहिद होगा मुमिन, या खालिदून का वाहिद होगा खालिद। तो यहाँ एक ही वेरिएंट गिवन है, लेकिन इसका दूसरा वेरिएंट भी हमने डिस्कस किया था कि वाव की जगह कई दफा हम या भी यूज कर लेते हैं। तो अगर हम या के साथ ये जमा इस्तेमाल करें तो फिर लफ्ज क्या होगा? अल-मुमिनीन, अल-मुमिनीन, हाँ मुमिनीना, और खालिदूना की जगह खालिदीन, खालिदीना, ठीक है। अलजाहिलूना, जाहिलीन, अलजाहिलीना, इसी तरह मुशरिकूना है मुशरिकीना, ठीक है। सर इसमें मीनिंग में डिफरेंस तो नहीं आ जाता अगर एक जगह पे वाव नून है, एक जगह पे या नून आ रहा है?
अगर तो हम बात करें उस लफ्ज के मीनिंग पे, तो लफ्ज का मतलब तो वही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मुस्लिमूना से मुराद भी मुसलमान है, मुस्लिमीना भी मुसलमान है, खालिदूना और खालिदीन दोनों का मतलब है हमेशा रहने वाले। लेकिन जब ये जुमले में आते हैं, जुमले के ओवरऑल मीनिंग पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जैसे हमने तस्निया में भी डिस्कस किया था कि अलिफ कब आना है, या कब आना है, तो इसी तरह इसमें भी वाओ और या का जो डिफरेंस है वो डिपेंड करता है कि जुमले में ये रोल क्या लेते हैं। तो वो जब हम जुमले को पढ़ेंगे वहां आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा कि इससे फर्क क्या पड़ता है। मतलब अगर हम वाओ के साथ यूज कर रहे हैं तो ओवरऑल जुमले का मीनिंग डिफरेंट होगा, या के साथ मतलब इस तरह से डिफरेंट होगा कि लेट्स से अगर ये सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है तो फिर हम जुमले का मतलब और तरह से करेंगे ना, कंस्ट्रक्शन जुमले की बदल जाएगी। अगर ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हम इसको लेते हैं तो फिर मीनिंग जरा डिफरेंट हो जाएगा जुमले का। तो ये अपना ग्रामेटिकल रोल जो है वो आइडेंटिफाई करता है इस तरीके से, वाओ से या से, ठीक ठीक है है, सर, एक्सप्रेस करता है नाइस। मतलब अपना रोल ये। अच्छा चले, अच्छी बात है। इसमें तस्वीर में हमने देखा था कि जो अलिफ नून या नून ऐड होता है उसमें अलिफ से पहले या से पहले क्या बोलते हैं, पिछले हर्फ पे क्या हरकत होती तस्निया में, अलिफ या से पहले जबर जबर होता जबर है। हाँ, जैसे वालिदानी या वालिदैनी, ईदानी ईदैनी। और नून पे क्या हरकत बोलते हैं, जेर जेर हाँ नून पे जेर है। बस इसका ख्याल रखिएगा क्योंकि ये चीज समटाइम्स कंफ्यूज करती है जमा के साथ, तो हरकात हमें इसमें पता होनी चाहिए। तस्निया में अलिफ या से पहले जबर और नून पे जेर होती है, लेकिन ये जो हम इसमें ऐड करते हैं जमा में वाव नून या नून, तो वाव या पे तो कोई हरकत नहीं है, लेकिन वाव से पहले क्या हरकत पड़ते हैं पिछले हर्फ पे, वाव से पहले पेश पेश बोल रहे हैं ना, पेश बोल रहे हैं, पेश और नून पे क्या बोल रहे हैं, तो नून पे जबर। जबर जबर और अगर या को देखें तो या वाले वेरिएंट में मुस्लिमीना, या से पहले क्या बोला हमने, जेर और नून पे जबर। तो बस इसका ख्याल आपने रखना है, ये अपने पास कहीं नोट कर ले, ये दो डिफरेंसेस हैं बोलने में तस्निया और जमा मुजक्कर सालिम में। एक ये कि उसमें जो अलिफ या ऐड करते हैं उससे पहले जबर बोलते हैं, और दूसरा ये उसके नून पे जेर आती है। ठीक है, यहाँ जो हम वाओ या ऐड करते हैं उससे पहले जो मुनासिब हरकत है वो आती है, वाओ से पहले पेश और या से पहले जेर बोलते हैं। तस्निया में क्या बोल रहे थे, अलिफ या से पहले जबर, जमा में वाओ से पहले पेश या से पहले जेर। और फिर नून को अगर देखें तो तस्निया के नून पे जेर होता है, जमा के नून में जबर होता है। ठीक है, तो बस इसका ख्याल रखिएगा। अब जैसे मुस्लिमूना या मुस्लिमीना बोलेंगे तो ये ज्यादा मुसलमान है, मुस्लिमानी या मुस्लिमैनी, इसमें स्पेसिफिकली जो या वाला है ना, या वाला केस तंग कर सकता है, तो मुस्लिमैनी है तो दो मुसलमान है, मुस्लिमीना है ज्यादा मुसलमान। ठीक है, जैसे आप अक्सर पुराने पाक में पढ़ते हैं। जी, और सर दोनों के एंड पे नून पे जबर ही होगा जमा में जी, वाव और जी या के जी बाद जो नून आएगा वहां पे जबर। जी नून में जबर है दोनों पे, मुस्लिमूना मुस्लिमीना, लेकिन वाओ और या से पहले की हरकत उसके मुताबिक, यानी वाओ के साथ पेश की आवाज मैच करती है ना, तो वाओ से पहले पेश बोलते हैं, या को जेर सूट करता है तो या से पहले जेर बोलते हैं इसके केस में। ठीक है, अच्छा। तो हाँ, मैं पूछ रहा था जैसे वो अक्सर पुराने पाक में आपने देखा होगा खालिदीना फीहा या खालिदीना फीहा अबदा, ये यूज होता है। तो ये जो खालिदीना है ये कौन सा केस है, जमा है कि तस्निया है? जमा जमा हाँ, ये जमा है, जमा खालिदीना। एक जगह लेकिन आया है पुराने पाक में खालिदैनी फीहा, ये कौन सा केस है खालिदैनी? ये तस्नी है। हाँ, तो एक जगह तस्निया
तस्निया यूज हुआ है, बाकी जगहों में कुरान में जमा आया है ये लफ्ज तो। लेकिन बाज दफा जल्दी में बेध्यानी में पता नहीं चलता अगर आप गौर ना करें उस पर, तो बस इसलिए इसकी हरकत जो है वो अहम है। तस्निया में नून पे जेर होती है, जमा में नून पे जबर होता है, और तस्निया में जो अलिफ और या है उससे पहले जबर आता है, और जमा में वाव से पहले पेश या से पहले जेर। तो मुस्लिमूना या मुस्लिमीना, अगर उस तरह याद नहीं रहता है हरकात से तो बस मिसालें याद कर लें, उसमें कोई इशू नहीं। मुस्लिमूना या मुस्लिमीना जमा, और मुस्लिमानी या मुस्लिमैनी ये तस्निया है। ठीक है, चले क्लियर है, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है। नो सर, और लास्ट जमा मोनस साले हमने डिस्कस किया था, ये अलिफ ता के एडिशन से बनाते हैं। इसकी मिसालें ये गिवन है नीचे, मुस्लिमात, मुमिनात, जाकिरात, साबिरात वगैरह। तो मुस्लिमात मुस्लिम की जमा है, मुमिनात मोमिन की जमा है, इसी तरह जाकिरात जाकिर की जमा है, तो अलिफ ता से मोनस की जमा यूज हो जाती है। चलिए, कुछ लोग वो उस पे बात कर रहे हैं कि तस्निया का लफ्ज कैसे लिखते हैं, यहाँ गिवन है तस्निया ये ता और सा के साथ यूज होता है, ये देख रहे हैं ता सा ये है तस्निया, इस तरह लिखते हैं। तो ठीक है जी, इसको एक दफा दोबारा रिव्यू कर ले। इस अरबी में नंबर के अतबार से तीन तरह का है, वाहिद जो एक को डिनोट कर रहा है, तस्निया जो दो के लिए यूज होता है, जमा जो तीन या ज्यादा के लिए आता है। तस्निया हम बनाते हैं वाहिद में अलिफ नून या नून ऐड करके, इसमें अलिफ या से पहले जबर और नून पे जेर बोलते हैं, जैसे मुस्लिमानी या मुस्लिमैनी, रजुलानी या रजुलैनी। और जमा जो है वो अरबी में दो तरह की, एक मुकसर है जो वाहिद से डिफरेंट होती है ये याद करते हैं, दूसरी जमा है सालिम जो किसी एडिशन से बनाते हैं। इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, मुजक्कर सालिम और मुअन्नस सालिम। तो मुजक्कर की जो जमा है इसमें हम वाहिद में उसके एंड पे वाव नून या नून ऐड करते हैं, वाव से पहले पेश बोलते हैं, या से पहले जेर, और नून पे जबर बोलते हैं, मुस्लिमूना या मुस्लिमीना, मुशरिकूना या मुशरिकीना। और मुअन्नस सालिम जो है वो वाहिद में अलिफ ता के इजाफे से बनती है, जैसे मुस्लिमात है, मोमिनात है, कानितात है, साजिदात है वगैरह। ठीक है जी, क्लियर है, कोई चीज अगर इसमें पूछने वाली हो तो अभी बता लीजिए। हाँ तस्निया की जो दो किस्में हैं, मतलब इसको नहीं पढ़ेंगे तस्निया की, नहीं ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये ऊपर आप उसमें जो ये आकिल और है, आकिल ये कोई मतलब आतिल गैर आतिल की कोई डिवीजन नहीं है, ये नोट्स मतलब ये पढ़ लीजिएगा रीडिंग में, अगर इसमें कोई चीज आपको समझ ना आई तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। मतलब ये ऐसी कोई डिवीजन होती नहीं है जमा के केस में, के जमा की दो टाइप्स हो, जमा आतिल गैर आतिल। जमा बेसिकली वही है, या जमा मुकद्दर है या जमा सालिम है, मैंने इसीलिए थोड़ी ये होते, लेकिन पढ़ लीजिएगा अगर उसमें कोई कॉन्सेप्ट हुआ जो क्लियर ना हुआ तो डिस्कस कर लेंगे उसे। ठीक है सर, जैसा इसमें यानी ये बुक क्योंकि टेक्स्ट बुक के तौर पे जैसे है प्रिस्क्राइब्ड है, तो इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन इसको जैसे मैं जब पढ़ाऊंगा तो एज इट इज इसको नहीं लेके चल रहा हूँगा, लेकिन ये कि आपके पास रीडिंग के लिए ये बुक है और एक्सरसाइज भी हम इसी से कर रहे हैं। कुछ चीजें हो सकती हैं जैसे मुख्तलिफ हो, यानी मैं उसको और तरह से प्रेजेंट करूँ बुक में और तरह से हो, तो अगर कहीं कन्फ्यूजन आए तो वो आप पढ़ सकते हैं, मतलब पूछ सकते हैं कभी भी। ठीक है, और भी कई चीजें लास्ट टाइम भी थी इसमें जैसे लिखी हुई थी, मैंने उनको टच नहीं किया था जानबूझ के, तो इसी तरह कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इसमें नहीं है लेकिन मैं आपको अलग से बता रहा होता हूँ, तो वो आप फिर इसलिए इसको रीड जरूर किया कीजिए बुक को, तो अगर कोई इश्यू हो तो फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, आगे फिर एक्सरसाइज जरा देख लें, इसमें वाहिद तस्निया और जमा इनको अलग अलग करना है, तो अल कलम ये क्या है जी? जमा वाहिद वाहिद कलम, मुकसर वाहिद वाहिद
वाहिद है, अरे पता तो कलम क्या है, वाहिद सिंगुलर है, किताब जो है ये भी वाहिद है, असाअ वाहिद है। नंबर फोर क्या है? अमिलुना, जमा, कौन सी जमा? आमिल, जमा जमा मुकद्दर है ये, जमा, जमा साले, जमा जमा साले, जमा मुजक्कर साले, ठीक है। हाशिऊना, साले, जमा मुजक्कर जमा साले, मुजक्कर हाँ साले, साले, जमा मुजक्कर साले। मोरिजूना, ये भी जमा मुजक्कर साले में। तस्निया, असाअतानी, तस्निया, ये तस्निया। तस्निया, अज़ाकिरात, अज़ाकिरा, जमा मुज जमा साले, मुनस, मुनस, जमा मुअन्नस साले, ठीक है। हाफिज़ून, मुज़क्कर साले, जमा मुज़क्कर साले में, ठीक है। साबिरून, जमा जमा मुज़क्कर मुज़क्कर साले में, साले, ठीक है। मुखलिसून, जमा जमा मुज़क्कर साले में, मुज़क्कर साले, ठीक है। अल-मुनाफिकून, ये ये भी भी जमा जमा मुज़क्कर जमा मुज़क्कर साले में, साले, ठीक है। इबाद, जमा जमा मुज़क्कर मुकस्सर साले, है, ठीक है। अनफुस, जमा मुज़क्कर जमा ये मुकस्सर है। अर-रजुलान, तस्निया, जो तस्निया तस्निया मुज़क्कर है, ठीक है। अर्जुन आबिदात, विदा मुअन्नस, जमा मुज़क्कर जमा मुअन्नस साले, ठीक जमा है, ठीक मुअन्नस साले, है। अस-सदाकात, जमा जमा मुअन्नस मुअन्नस साले, साले, जमा मुअन्नस साले, ठीक है। साइमून, जमा जमा मुज़क्कर मुज़क्कर साले, ठीक साले, है। अल-मुस्लिमातान, ठीक तस्निया, है। राजिउन, जमा मुज़क्कर साले, जमा मुज़क्कर साले, जमा अल-मुफ्लिहून, जमा जमा मुज़क्कर मुज़क्कर साले में, ठीक साले, है। ताइबून, मुज़क्कर साले, जमा मुज़क्कर साले में। अस-साबिरात, जमा मुअन्नस तस्निया, साले, तस्निया, जमा नहीं, साबिरात, तस्निया के जमा मुअन्नस सालिम, जमा है ना क्या? मुअन्नस साले, मुअन्नस सालिम है ना। तस्निया में अलिफ नून आता है, या नून आता है, अलिफ ता आएगा तो जमा मुअन्नस है। अच्छा, अल-फुकरा, जमा मुकस्सर जमा साले, मुकस्सर, मुज़क्कर, जमा मुकस्सर है। जमा मुकस्सर में आपको पता नहीं चलता वैसे कि मुजक्कर है मुअन्नस, ठीक है। बस जमा मुकस्सर कह देना काफी है, चूंकि मुजक्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो, उसके यूजेज से फिर पता चलता है। अच्छा, ओके, जमा अल-मसाजिद, मुकस्सर, जमा मुकस्सर, जमा जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर। और अल-सिना, मुकस्सर, जमा जमा मुकस्सर, मुकस्सर, जमा मुकस्सर, ठीक है। ये किसकी जमा होती है? अल-सिना अल्सिना का मतलब लिसान उनकी जमा है, लिसान की जमा है। जुबान, लिसान क्या होती है? जुबान, जबान, जुबान, जबान, ठीक है, ठीक है। तो ये जबान है और अलसिना उसकी जमा जबान है। चले, बेहतर हो गया। तो ठीक है, इसमें आज वाले दर्स में तो यही है, आगे इंशाल्लाह इसम से रिलेटेड एक दो चीजें और हैं, वो फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।